सारा टाबरा ने राम राम किया हूँ सारा बढ़िया किया लागे अग्नि देते थाने ठीक। देखो दोस्तों आज आप पढ़ांगा लोक देवता, लोक देवता राजस्थान का लोक देवता। लोक देवता में सारे नूं पहला आप पढ़ांगा दोस्तों पाबू जी। कौन पाबू जी? देखो अब पाबू जी को जन्म घटा हो कोलूमंड, कोलूमंड जोधपुर कठा हो कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और मुख्य मंदिर पूछ लिए वो भी घटा है दोस्तों कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और आज आप घटा चलांगा कोलूमंड जोधपुर। अब पप्पू जी की एक छोटी सी कहानी है बापा याद रखनी है किसी। देखो पप्पू जी को ब्याह होने लग रहे हो, पप्पू जी बैठे फेरा पर ठीक है। अब कौन आई? देवली बाई चारणी। कौन आई? देवल बाई चारणी। पप्पू जी के ना गए देवली बाई चारणी कहने लगी क्या पप्पू जी थारो जीजो, थारो जीजो कुण जींदराव खींची, जींदराव खींची मारी गायां लेके उठ गयो। देवली बाई चारणी कटा आ गई, पब्बू जी फेरा पर बैठा, पब्बू जी नागे कहन लग गई क्या भी थारो जीजो है नी जींदराव खींची वो मारी ले गयो गायां, और मैं थारी शरण में आई हूँ बे मारी गायां है नी बे मन छुड़ा के दियो। पाबू जी फेरा पर खड़ा हो गया और किंग सागे युद्ध करियो फेर जींदराव खींची सागे जो के हो जीजो या बहनोई। और इंग सागे युद्ध लड़ता लड़ता वीरगति ने प्राप्त हो गया। और पाबू जी ने के बोला दोस्तों ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता, बस इतनी बात याद रखनी है। और पप्पू जी को मेलो कद लगे, पप्पू जी को मेलो चैत्र अमावस्या कद लगे, चैत्र अमावस्या पप्पू जी को मेलो कद लगे दोस्तों चैत्र अमावस्या ने कठ लगे कोलूमंड जोधपुर के अंदर। याद रही सी इतनी बात ठीक है। चला फिर कोलूमंड जोधपुर चला, तैयार हो सारा? चलो फिर आपा पहुंच गया दोस्तों कोलूमंड फलोदी जोधपुर पाबू जी का मंदिर। देखो
चले।